सर क्या कहोगे आप, कैसे आए हो बच्चों के साथ? सर बच्चों को अपना हिंदू कल्चर दिखाने के लिए लाए हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल भगवान श्री राम के बारे में, हनुमान के बारे में जानना चाहे। बिल्कुल सर। दोस्तों जैसे ही आप इस मूवी को देखने के लिए आओगे ना, तो आपको हर एक थिएटर में स्क्रीन के नीचे है ना, ये आपको एक सीट एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। ये ओम रावत जी ने श्री बद्रीनाथ। तो पहले तो ये कहना चाहूंगा बॉलीवुड वालों, भैया आपसे नहीं हो पाएगा। वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो, अगर आप चाहते हो संवाद वाली रामायण देखना तो रामचरण इस रोल में बहुत ज्यादा अच्छे लगते, ठीक है, प्रभास की जगह। दूसरी अगर नेगेटिव किरदार जो सैफ अली खान कर रहे हैं, वो काफी बॉलीवुड को पता, आप नेगेटिव चीजों को ऊपर लेके जाते हो हमेशा, तो उन्होंने ऊपर ही ले गया भाई इसको भी वो, ठीक है। आप देखोगे ना तो आपको सैफ अली खान की एक्टिंग नजर आएगी पूरी फिल्म में, ठीक है। तो जबरदस्त उन्होंने एक्टिंग कर रखी है भाई, ये कर रखा उन्होंने, जो पॉजिटिव बात है उनकी, रोल नेगेटिव है लेकिन उनका अच्छा किरदार बॉलीवुड ने दिखाया या उन्होंने करा भाई वो जाने। और बीच बीच वो वाला आप टच फील करना चाहो तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, या तो ये तो आज की रामायण है, ये तो मतलब कि हॉलीवुड के जैसे एक है ना रामायण आपके सामने पेश कर दिए इन्होंने मसाला डाल के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं अपने एक नए ब्लॉग के अंदर आप सभी का। दोस्तों जैसे कि थंबनेल और हाइलाइट्स आपको पता चल गया होगा कि मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो का रिव्यू करने वाला हूं, जो कि आदिपुरुष मूवी का था, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। और इसका पहले आप सभी को पता जो टीजर आया था वो काफी बकवास था, भगवान जी का हमारा कार्टून बना के रख दिया। लेकिन उसके बाद जो ट्रेलर आया था वो काफी अच्छा लगा था। और जैसे कि बात करूं तो मूवी काफी चर्चा में है, इसलिए हमने तो पहले ही दोस्तों अपनी टिकट बुक कर ली थी, जो कि ऑनलाइन थी, 3D मूवी हमारी, हम चार बंदे जा रहे हैं, जो हमें पड़ी है 936 रुपए की। दोस्तों बाकी हमारा शो फुल हो चुका है, जो कि ऑनलाइन हमें दिखाई रहा है। तो दोस्तों मूवी की बात करें तो व्लॉग में आप बने रहना, मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट रिव्यू दूंगा इस मूवी का, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड वाले हैं, इनका कुछ नहीं पता, पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किस तरह की क्या मूवी होगी, अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हो ना मेरे से, तो प्लीज मेरे ब्लॉग के अंदर बने रहना, क्योंकि आप मेरा रिव्यू देख के ही जाना, आपको बिल्कुल वो फील नहीं होगी कि हमारा वीकेंड डे खराब हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने मिराज सिनेमा के अंदर, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स निकल चुके हैं हम अपने घर से मिराज सिनेमा की तरफ, जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर रह गया है अभी हमारा, तो मिराज सिनेमा में जाएंगे अपना मूवी देखने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो विनोद भाई भी है जैसे कि मेरे साथ, आपने पहले भी ब्लॉग में देखा था इनको। तो विनोद भाई सुबह अच्छे विचार रखो अपने आप, जो थोड़ी देर पहले आप मुझे कह रहे थे जय श्री राम दर्शकों। ऐसा है विचार तो मेरे माँ बाप ने मेरे को बताया था, सुना था कि पहले अपने रामायण का इतना क्रेज होता था बिल्कुल कि लोग बाग पूरे गांव के इकट्ठे हो जाते थे और चप्पल जूते है ना अपने घरों के बाहर रख दिया करते थे। पहले तो भाई जब रामायण आई थी टीवी बहुत कम थे, मेरे पिताजी भी कहते हैं हमारे घर में भी टीवी नहीं था जब मेरे पिताजी थे, तो लोग चप्पल जूते निकाल के जाते थे भाई साहब देखने के लिए फिल्म। और वैसे ही आज इस फिल्म का भी क्रेज है दोस्तों, जो श्री राम भगवान के, क्योंकि जिस मल्टीप्लेक्स में मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ पे 10 शो मैंने देखे हैं, 10 शो आज इस मल्टीप्लेक्स के अंदर चलेंगे, जिसमें से पहला शो हमारा है जो मैं अभी जा रहा हूँ, और सारे के सारे लगभग 3-4 शो तो मैंने देखे हैं, फुल हो चुके हैं दोस्तों। क्यों विनोद भाई? बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं जाके कैसे हमारी उम्मीदों पर खरा उतरती है ये पिक्चर। और भाई बिल्कुल जैसे कि मैंने पहले बताया ना, एग्जैक्ट बताएंगे हम आपको कि मूवी के अंदर क्या दिखाया है प्रोड्यूसर ने और डायरेक्टर ने, तो वही और रोल जो है कैसे क्या कितना निभाया जिसने भी, तो हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं व्लॉग में आपसे आगे। जैसे मैंने आपको बताया तो मुझे यहाँ पे एक फैमिली मेंबर्स मिले हैं जो अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आए हैं ये मूवी देखने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर, क्या कहोगे आप, कैसे आए हो बच्चों के साथ? सर बच्चों को अपना हिंदू कल्चर दिखाने के लिए लाए हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल भगवान श्री राम के बारे में, हनुमान के बारे में जानना चाहे। बिल्कुल सर, उनको भी पता होना चाहिए कि बिल्कुल बच्चे हम मतलब क्या सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छी चीज देखने को और समझने को बच्चों को यहाँ पे मिलेगी, इसलिए आप लेके आए हो। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल तो सर, हनुमान के लिए बच्चों में राम के प्रति आस्था विश्वास मतलब देख के एक्साइटमेंट है देखने की। बिल्कुल बिल्कुल, देखना चाहते कुछ बोलो बेटा, जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम।
बोलो बेटा, जय श्री राम, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, अपनी एंट्री हो चुकी है, जैसे देख रहे हो आप सीटिंग वगैरह है। अभी जस्ट अंदर आ रहे हैं लोग, अभी जस्ट 10 मिनट बची हुई है मूवी स्टार्ट होने में, तो हाउसफुल है वैसे तो, शो ये दिखा रहा है। दोस्तों, जैसे ही आप इस मूवी को देखने के लिए आओगे ना, तो आपको हर एक थिएटर में स्क्रीन के नीचे है ना, ये आपको एक सीट एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। ये ओम रावत जी ने श्री बजरंग बली जी के रखी हुई है, ताकि फ्रंट सीट उन्हीं को मिले, वो भी इस मूवी को देखने के लिए आए और जय श्री राम साथ में बोले। और आप देखो, ये सीट रखी हुई है इधर, और सामने ये सारी है सीटिंग, अब देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी पहल की उन्होंने, आज तक आपने देखी नहीं होगी ये सारी चीजें, तो आप देख सकते हो श्री बजरंग बली जी के लिए सीट रखी हुई है ओम रावत जी ने। जय श्री राम। तो दोस्तों, आपने व्लॉग में देख लिया, मैं मूवी देख के अभी आ गया हूँ, जस्ट निकला था मल्टीप्लेक्स से, तो कुछ दूर आगे एक पार्क था, तो सोचा वहीं जाके आपको रिव्यू दूँ। तो रिव्यू की बात करूँ तो पहले तो ये कहना चाहूंगा, बॉलीवुड वालों भैया आपसे नहीं हो पाएगा। वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो, अगर आप चाहते हो संवाद वाली रामायण देखना, तो वो तो ये मूवी है नहीं। ठीक है, ये एक लेटेस्ट वर्जन इन लोगों ने बना दिया। बॉलीवुड को आप जानते हो, अपना टिकट लगाता है, अपना दिमाग लगाता है बॉलीवुड, तो उस तरीके से रामायण इन्होंने प्रस्तुत कर दिया हमारे सामने, जो कि 3D बेस्ड फिल्म है। फिल्म की अगर पॉजिटिव की बात करूँ, तो जिस हिसाब से मूवी में पैसा खर्च हुआ है वो दिखता है मूवी के अंदर। लेकिन अगर आप राम श्री राम के करेक्टर के ऊपर जाओगे, तो उसमें जो अपने बाहुबली के रू है ना प्रभास, मैं तो ये कहता हूँ भाई, बाहुबली के बाद यार आप है ना फिल्म बनाओ मत, क्योंकि आपने जो उसमें किरदार निभाया ना यार, वो दिल पे लगा छिपा हुआ है, उसको मत मिटाओ यार। रामायण में ये जो रामायण में इन्होंने सॉरी आदि पुरुष में जो इन्होंने रोल करा ना, वो भाई कहीं से नहीं जमता इनके ऊपर। ठीक है, अगर उसकी जगह रामचरण होता, ये मेरा ओपिनियन है मेरा, क्या आप लोग देखोगे ना खुद बोलोगे, रामचरण इस रोल में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते। ठीक है, प्रभास की जगह। दूसरी अगर नेगेटिव किरदार जो सैफ अली खान कर रहे हैं, वो काफ़ी बॉलीवुड को पता, आप नेगेटिव चीज़ों को ऊपर लेके जाते हो हमेशा, तो उन्होंने ऊपर ही ले गया भाई इसको भी वो। ठीक है, आप देखोगे ना तो आपको सैफ अली खान की एक्टिंग नजर आएगी पूरी फिल्म में। ठीक है, तो ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग कर रखी है भाई, ये कर रखा उन्होंने, जो पॉजिटिव बात है उनकी, रोल नेगेटिव है लेकिन उनका अच्छा किरदार बॉलीवुड ने दिखाया उन्होंने करा भाई, वो जाने। और बीच बीच में आपको ना मतलब कार्टून टाइप जो इन्होंने बना रखे हैं, फार्मोस की रोल देखेंगे, चिंपैंजी टाइप क्या नाम है उनके रोल दे रखे हैं, जो अपने क्या नाम थे सुग्रीव और वो थे बाली वगैरह, उनको चिंपैंजी जैसा रोल दे रखा है। तो विनोद भाई, ये तो मेरा ओपिनियन था, आप क्या कहना चाहोगे इस मूवी के बारे में? मेरा कहना ये है जी, अगर आप ये सोच कर जाओ कि मैं रामानंद की रामायण वाली टच, हाँ जो संवाद वाली रामायण थी, टच ले सकूँ, तो ये तो नहीं है, मुमकिन नहीं है, इसको आप नहीं फील कर पाओगे। या तो ये है कि ये आज की रामायण है, बिल्कुल ये आज की रामायण है, तो ओम रावत ने ये अपने हिसाब से बनाई है, ये वो वाला आप टच फील करना चाहो तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। या तो ये तो आज की रामायण है, ये तो मतलब कि हॉलीवुड के जैसे एक है ना रामायण आपके सामने पेश कर दिए इन्होंने, मसाला डाल के ये करके वो करके, बिल्कुल। तो इसका मैं तो ये कहना चाहूंगा कि है ना, आप देखने आओ, चलो अच्छा इन्होंने बनाया है, नवीन जी इन्होंने बनाया है, बनाई है, अच्छी बनाई है, अच्छे बड़े सेट भी लगाए हैं, ये श्री राम भगवान से यार, हमारे सेट भी अच्छे लगाए हैं, VFX अच्छे दिए हैं, तो ना देखने आना चाहिए, देखने आओ, आप खुद देख लोगे कि मतलब कि कैसा मिला जुलाई मैं तो दूंगा बस। तो दोस्तों, आपने व्लॉग में देखा भी होगा, मैंने वैसे तो क्लिप रिकॉर्ड की थी, लेकिन मैंने वो डाली नहीं है जानबूझ के, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने डाली थी, तो उसका भी कम्युनिटी गाइडलाइंस आ चुकी है, जो कॉपीराइट वगैरह तो उससे भी स्ट्राइक आ गई उसके चैनल पे, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता अपने चैनल पे लड़ा। बाकी आप आओ, अच्छी लगे तो टाइम अच्छी तो लगेगी, क्योंकि हम श्री राम भगवान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसको तो मैं नकार नहीं सकता। साथ ही अगर आपके पास शनिवार संडे का टाइम है, और साथ ही आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल आओ भाई। देखो, आप सोच रहे हो पैसे की भी शॉर्टेज और टाइम भी नहीं है, तो दोस्तों फिर मत आओ। ठीक है, तो बस हमारा तो रिव्यू मिला जुला है, नेगेटिव की तरफ ज़्यादा है जो मैं कहूँगा। ठीक है, मुझे कोई इतनी रियल बताऊँ खास नहीं लगी मूवी, जो सोच के मैं आया था वैसा कुछ मुझे मिला नहीं इस मूवी के अंदर। जो लोगों ने पहले इसका बहिष्कार किया था ना, वो ठीक ही किया था भाई। और कुछ चीज़ बताऊँ, जो टीजर आया था ना,
उसमें इन्होंने कुछ चीजें दिखाई है वो आपको मूवी में देखने के लिए नहीं मिलेगी। वो लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए इन्होंने दिखाई थी ताकि लोग ज्यादा ज्यादा ऑनलाइन बुक करे टिकट, जैसे मैंने की थी फर्स्ट शो की, जो रिव्यू दे रहा हूँ अपना, तो आए और देखे। और साथ ही इन्होंने एक राजनीति भी और खेली है भगवान के नाम पे, जैसे मैंने वो लोग में आपको दिखाया था कि वहाँ पे श्री हनुमान जी का सिंहासन लगा रखा है स्क्रीन के नीचे, वो तो वो दिखाने के लिए ताकि लोगों की थोड़ी भावना और जागे, मुझे ज्यादा मूवी आके देखे। लेकिन दोस्तों बॉलीवुड से ऐसे ही एफेक्ट करने वाला था कि मुझे लग नहीं रहा था कि अच्छी मूवी बनाएंगे, पर ऐसा उन्होंने कर दिया। ठीक है, इसका भी मेरे हिसाब से जो अक्षय कुमार की फिल्म आई थी ना, कौन सी फिल्म थी वो, अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान, शायद आशा करता हूँ ऐसा ना हो, मेरे श्रीराम भगवान की मूवी है, बट जैसी फिल्म है ना मुझे फील आ रही है कि भाई ऐसा ही होने वाला है इस फिल्म के साथ, ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों बस ये अपनी हरकतों से बात बिल्कुल नहीं आएंगे नवीन जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बॉलीवुड वाले बिल्कुल अपनी हरकतों से बात नहीं आएंगे। इन्होंने ना बिल्कुल भी श्री राम को उस तरीके से है ना नहीं दर्शाया जिस तरीके से दर्शाना चाहिए था श्री राम को, बिल्कुल बिल्कुल। और लक्ष्मण जी का रोल तो कुछ है ही नहीं, हनुमान जी का भी संवाद कोई है ही नहीं, बस ऐसे ही बस फटाफट फटाफट वो जैसे 3 घंटे फिल्म खत्म कर देते ना, वो कर दिया है मूवी को, बता दिया है। फिर हम ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, कुल मिला के आओ देखो तभी ज्यादा पता चलेगा। बाकी मैं अगर अपने रिस्पॉन्स पे बोलूँ तो नेगेटिव है मेरे लिए, तो ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वो लोग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दिया करो यार, ठीक है, और चैनल पे नए आके देख रहे हो सब्सक्राइब करो, साथ ही जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।